हाय गाइस, वेलकम बैक टू मूड एंड फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं होटल जैसे सांभर की रेसिपी। सांभर बहुत ही फेमस साउथ इंडियन डिश है। ये डिश बहुत ही रिच होती है प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स में, क्योंकि इसमें दाल और सब्जी दोनों के गुण होते हैं। सांभर में खूब सारी सब्जियां जाती हैं। इसमें सब्जियां आप अपने मन पसंद के हिसाब से डाल सकते हो। और सांभर हर घर में अलग तरीके से बनाई जाती है। तो आइए आज बनाते हैं सांभर मेरे तरीके से। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सांभर बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच मेथी दाना। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सरसों दाना। सरसों दाने के चटक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 सूखी साबुत लाल मिर्च और साथ में हम डाल देंगे 10 से 12 करी पत्ता। ये थोड़ा सा पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग और इन सब चीज़ों को हम 30 सेकेंड के लिए धीमी आंच पे भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ अनियन। प्याज को हमने यहाँ पे स्लाइस करके लिया है। प्याज डाल के हम इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें प्याज को भूरा नहीं करना, इसलिए आप आंच को धीमा करके रखें। सिर्फ हमें प्याज का कच्चापन निकालना है। प्याज के हल्के से पक जाने के बाद अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। सब्जियों में यहाँ हमने सबसे पहले डाला है 8 से 10 पीस कद्दू का, 1 छोटा क्यूब्स में कटा हुआ गाजर और इसके साथ हम 8 से 10 पीस ड्रमस्टिक्स मतलब सहजन के डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे और इसे ढक के 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक हमारी सब्जियां थोड़ी सी पक ना जाए। पूरी अच्छे से नहीं पके, मैश होने लायक नहीं रहे, बस हल्की सी हार्ड सी पके। और यहाँ पे सब्जियां डालने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सांभर में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जी होती है सहजन, ड्रमस्टिक और प्याज। और इसके अलावा आप जो सब्जी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हो। आप इसमें बीन्स डाल सकते हो, बैगन डाल सकते हो, लौकी डाल सकते हो, भिंडी डाल सकते हो। आपको जो सब्ज़ी अच्छी लगे आप इसमें उसको डाल सकते हो। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्ज़ी अब थोड़ी सी पक चुकी है। अब हम इसमें यहाँ पे डाल देंगे 2 चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर डाल के हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए और पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे फिर से खोल के एक बार मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें अब सूखे मसाले डाल देंगे। हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच या फिर अपने स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और साथ में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सारे मसाले डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से इसे ढक के हम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। थोड़ी देर इसे ढक के पका लेने के बाद अब हम इसे खोल के एक बार फिर से मिक्स करेंगे। हमारे मसाले सब्जियों में अच्छे से मिल के पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सांभर पाउडर। सांभर का मसाला जो आता है रेडीमेड, हमने यहाँ पे वो डाला हुआ है। सांभर मसाला डाल के हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और 30 सेकेंड के लिए पका लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप उबाल के रखा हुआ तुअर दाल। तुअर दाल को हमने थोड़ी सी नमक के साथ पका लिया, यहाँ पे हमने हल्दी नहीं डाला है। तुअर दाल को पकाते वक्त, तुअर दाल को हम जैसे नॉर्मली दाल बनाते वक्त पकाते हैं, हम वैसे ही 1 छोटी कटोरी तुअर दाल हमने लिया और फिर हमने उसमें 2 कप पानी डाल के उसे बॉईल कर लिया। और तुअर दाल के साथ हम डाल देंगे 4 बड़े चम्मच इमली का रस। हमने इमली का जो पल्प आता है उसको भिगा के रखा था, उसका हमने यहाँ पे पल्प हटा के जूस ले लिया है और वो हमने इसमें डाला है। और फिर हमने इसमें डाल दिया है 1 छोटा सा टुकड़ा गुड़ का। यहाँ पे गुड़ डालना आप स्किप मत करिए, क्योंकि जो सांभर का टेस्ट होता है वो खट्टा मीठा होता है और गुड़ से ही उसमें वो हल्की सी मिठास आती है। यहाँ आपका सांभर बहुत मीठा नहीं होगा, बस हल्का सा ही टैंगीपन आ जाएगा, एक हल्का सा मिठास और खट्टास आ जाएगी। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें 3 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। पानी को डाल के हम इसे फिर से एक बार मिक्स करेंगे और फिर इसे उबलने देंगे स्लो से मीडियम आंच पे, कम से कम 10 मिनट के लिए। सांभर को हम ढक के पकाएंगे
10 मिनट के लिए, बीच बीच में हम इसे चेक कर लेंगे, बीच बीच में हम इसे चला देंगे। और 10 मिनट हो चुके हैं सांभर को पकते हुए, हम इसे एक बार चला के इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो, और अगर ये बहुत पतला लग रहा हो तो आप इसे थोड़ी देर तेज आंच पे पका के इसका पानी जला सकते हैं। और नमक आप इसमें चेक कर लीजिएगा कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं। बस हमारा सांभर एकदम रेडी है, अब हम इसमें तड़का देंगे। हम एक तड़के वाली पैन ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच उड़द, जो बिना छिलके वाला उड़द आता है वो हम इसमें डालेंगे, और साथ में हम डालेंगे 1/2 चम्मच चना दाल। चना दाल भी हम बिना छिलके का लेंगे, और हम इसमें डालेंगे 1 साबुत लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे। हमारा तड़का अब एकदम तैयार है। जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इसे पहले से तैयार सांभर में पोर कर देंगे, और तड़के के साथ हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए धनिया। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और हो गया हमारा गर्मा गर्म सांभर परोसने के लिए तैयार। आप इसे इंजॉय करिए इडली, मेंदू वड़ा, डोसा, उत्तपम के साथ। आप इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये किसी भी तरह बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो एक बार मेरी तरीके से बना के सांभर देखें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।